नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट मेल टीवी। खबरों के पंचनामा में आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल आधारित ई वोटिंग की। एक समय था कि जब बैलेट पेपर यूज होता था, बाद में ईवीएम आई, तो अब जमाना आने वाला है मोबाइल से वोटिंग का। इस खबर का पंचनामा करने से पहले हमारा आपसे आग्रह है कि यदि YouTube पर आपने स्ट्रीट मेल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय समय पर स्ट्रीट मेल के सभी न्यूज के अपडेशन नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत एक अच्छी और उत्साहजनक खबर आ रही है कि मोबाइल से वोटिंग हुआ करेगी। ये भारत के लिए बड़ी चौंकाने वाली और एक उत्साहजनक खबर आप कह सकते हैं इसको। यदि स्टूडेंट से कभी पूछा जाए कि वह चुनाव प्रणाली में क्या सुधार चाहते हैं, तो सबका कहना होता है कि चुनाव में वोटिंग को कंपलसरी कर दिया जाए, मैंडेटरी कर दिया जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम मतदान को अपना कर्तव्य नहीं समझते, बल्कि इसे एक छुट्टी के दिन की तरह एंजॉय करते हैं। कोई तो दिन भर सोता है, कोई मॉल जाता है, कोई मूवी देखने जाता है, उसके पास दर्जनों बहाने हैं कि वोट ना डालने के, वो उस दिन को पूरा एंजॉय करना चाहते हैं। कई लोग कहते हैं कि मैं रह बेंगलोर में रहा हूं और मेरा वोट फतेहाबाद में है, मैं कैसे वोट देने आ सकता हूं, या तो सरकार मुझे एयर टिकट दे दे आने जाने की तो मैं वोट देने आऊंगा, या वो कहता है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और सबसे बड़ा बहाना तो ये है कि कोई भी लाइन में लगकर वोट नहीं देना चाहता। हर किसी का अपना कंफर्ट जोन है, वो चाहता है कि क्यों किसी के लिए जाके वोट करें, कौन से ए बी सी जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं सब चोर हैं, उनको लगता है सब चोर हैं, कुछ बदलने वाला नहीं है, क्या करना है, छोड़िए छोड़िए। कोई वोट डालने से बचने के उनके पास 100 बहाने हैं। सरकार इन बहानेबाजों पर अब काम कर रही है, और तेलंगाना सरकार ने तो काम शुरू भी कर दिया है। तेलंगाना सरकार कह रही है कोई बात नहीं, आप वोट डालने नहीं आ सकते, आप बेंगलोर में बैठे हैं, आप कहीं भी बैठे हैं, कोई बात नहीं, हम आपको मोबाइल से आपका वोट कास्ट करवाएंगे। आप सोचिए कि कभी आप लोगों का सपना रहा होगा ये कि हम घर बैठे मोबाइल से वोट कर लें। ये उन लोगों के लिए गुड न्यूज है जिनके लिए सपना था, उनका ये सपना पूरा होने जा रहा है। तेलंगाना सरकार एक पायलट प्रोजेक्ट रन कर रही है जिसके तहत मोबाइल से वोटिंग करवाई जानी है। तेलंगाना सरकार 20 अक्टूबर को अपना एक उनका जिला है खम्मन, उस जिले में एक डमी वोटिंग करवा रही है जो मोबाइल से वोटिंग होगी। इस इलेक्शन में जो ये डमी इलेक्शन है, आपने किसी व्यक्ति विशेष को नहीं चुनना है, जो कैंडिडेट है वो एबीसी है, आपने किसी एबीसी को ही चुनना है, लेकिन एक ये डमी इलेक्शन है। एक प्रैक्टिकल करके देख रही है तेलंगाना सरकार कि अगर मोबाइल से वोटिंग करवाई जाती है तो उसमें दिक्कतें क्या क्या आती हैं, ताकि जब असल में वोटिंग हो तो उन दिक्कतों को पहले ही दूर कर लिया जाए। इस प्रोजेक्ट पर तेलंगाना सरकार काम करने जा रही है। तेलंगाना सरकार ने जो लोग मोबाइल से वोटिंग करना चाहते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। आपको जाकर मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, अपना नाम, अपना वोटर नेम सारा उसमें डालना होगा। ये रजिस्ट्रेशन 18 अक्टूबर तक खुले हैं। तेलंगाना के जो खम्मन जिले के लोग हैं वो अपना नाम उसमें जाकर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। यदि यह प्रयोग सफल रहता है तो आने वाले समय में पूरे इंडिया में मोबाइल से वोटिंग होने जा रही है। आप भूल जाइए बैलेट पेपर को, आप भूल जाइए ईवीएम मशीन को। यदि ये प्रयोग सफल रहता है तो आपको घर बैठे आप वोट कर सकेंगे। मोबाइल से ई वोटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले अपना नाम रजिस्टर्ड करना होगा। रजिस्टर्ड करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। इस एप्लीकेशन का नाम है टीसेक ई वोट। मतदान से पहले आपको 3 स्टेज क्रॉस करनी होगी वेरिफिकेशन के लिए। आपको 3 अलग अलग स्टेजेस क्रॉस होंगी, ताकि कोई और गलत आदमी वोट ना कास्ट कर जाए आपकी जगह पर। तीनों वेरिफिकेशन के बाद ही
आपका वोट कास्ट हो पाएगा। पहले आपका नंबर वेरीफाई होगा, फिर आपका आधार कार्ड नंबर वेरीफाई होगा, फिर आपके पूछा जाएगा कि आप अपना वोटर नंबर बताएं जिसमें फोटो लगा होगा। आपका वोटर नंबर आप डालेंगे तब आपका फोटो समेत आपके सामने आएगा। अगर बिल्कुल सब कुछ सही है तो आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद ही आप वोट अपना कास्ट कर सकेंगे। इस काम को करने के लिए तेलंगाना की सरकार, वहां का स्टेट इलेक्शन कमीशन और सीडेक जो सेंटर की एजेंसी है सीडेक, वो मिलके इस प्रयोग को कर रहे हैं। फिलहाल ये प्रयोग एंड्रॉयड फोन पर ही उपलब्ध होगा, अभी ये एप्पल फोन पर ये एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो पाएगी। लेकिन पहले एंड्रॉयड फोन की जो खामियां हैं इस ई वोटिंग में उसको दूर किया जाएगा। उसके बाद एंड्रॉयड के अलावा जो जो भी फोन के जो तरीके हैं, चाहे एप्पल है या और कोई भी तरीका है, उसको भी फिर इसमें ऐड किया जाएगा। बस इसमें आपके पास एक चीज होना जरूरी है कि आपके पास एंड्रॉयड फोन होना चाहिए। जो लोग बरसों से लाइनों में लगने से बचने की सोचते रहे हैं, बहुत सारे लोग सरकार की आलोचनाएं करते हैं, सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं, वो चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो चाहते हैं कि सरकार भी बदलनी चाहिए। लेकिन वो लोग जितने ज्यादा बहस करते हैं, जितने ज्यादा आर्गुमेंट करते हैं और सुझाव देते हैं, वो लोग सच में वोट करने नहीं जाते। हम लोग जब वोट करने नहीं जाते, इसको अपनी ड्यूटी नहीं मानते, हम लाइन में लगने से भागते हैं, 100 तरह के बहाने बनाते हैं, ईवीएम के पास नहीं जाते हैं, वहां के किसी झगड़े फसाद से डरते हैं, हमें लगता है कि वहां पता नहीं क्या पंगा हो जाएगा। लेकिन हम सबसे ज्यादा आलोचना करते हैं हम सरकार में, सरकार के लोगों को, अपने जो मौके के वहां के सांसद विधायक हैं उनको बदलना चाहते हैं, लेकिन वोट कास्ट नहीं करते हैं। ये हमारी जबकि पहली ड्यूटी बनती थी कि हम लोग वोट कास्ट करें। अगर हमें सरकार की नीतियों से कोई हमें दिक्कत है तो हम अपने वोट से उन्हें बताएं कि हम आपके पक्ष में हैं या नहीं है, लेकिन हम वोट कास्ट करने नहीं जाते, क्योंकि वोट कास्ट ना करने के लिए हमारे पास 100 बहाने थे। अब सरकार ने इस बात को गंभीरता से लिया है और अब आने वाले समय में आपको घर बैठे आपके मोबाइल से आप वोट कास्ट कर सकेंगे। बैलेट और ईवीएम का जमाना बहुत जल्द लगने वाला है। अगर तेलंगाना के इस खम्मन जिले में यह प्रयोग कामयाब रहता है तो आप बहुत जल्द देखेंगे कि पूरे इंडिया में एंड्रॉयड फोन से और बाकी सभी फोन से भी ई वोटिंग होने वाली है। ये एक बड़ी रोचक और इंफॉर्मेटिव खबर थी जिसको हमें आपको देना, हम समझते थे कि जरूरी था। आप 20 अक्टूबर को तेलंगाना सरकार और तेलंगाना के खम्मन जिले पर ध्यान रखिएगा, देखिएगा कि वहां पर क्या होता है, कौन एबीसी में कौन जीतता है और लोग कितना उत्साह है लोगों में इस वोट को करने के लिए। इस सारी खबर पर आज हमने चर्चा की है। आपसे फिर आग्रह है कि यदि आपने स्ट्रीट मिल टीवी को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, फेसबुक पर भी जाकर स्ट्रीट मिल टीवी पेज को लाइक और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई खबर के पंचनामा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।